सर मेरे पास आज गुजरात से एक पेशेंट का फ़ोन आया था, वो ये बोल रहा था कि जो उनका पहला बच्चा हुआ है वो किसी डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित है। तो उसका क्वेश्चन ये था, क्या जब उनके बच्चे की सोनोग्राफी हुई थी तो सोनोग्राफी करते समय ये पता चल जाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है? अब वो पेशेंट दूसरी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो उनके मन तो में पहली बच्ची जीवित है? जी, पहली बच्चे जीवित है लेकिन डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, तो और अभी प्रेग्नेंट है, अभी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो उनके मन में एक क्वेश्चन था कि क्या सेकंड बच्चा भी उसी प्रकार का होगा? कृपया इस बात को समझिए। मतलब उनको ये डर है कि एक बच्ची ऐसी हो गई जी, और दोबारा यदि फिर से वो प्लान करे तो दोबारा यदि फिर से हो गया तो क्या वो भी उसी टाइप का होगा जैसा पहला बच्चा था? कृपया इस बात को समझाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बेचारे डर जाते हैं जब कोई ऐसा बच्चा घर में, उनका कहना ये रहता है कि हमारे फैमिली में तो कभी नहीं था, अचानक हो गया। तो मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो भगवान की देन मान के कुछ भी नहीं कराते, और एक होते हैं जो पहले से ही देखते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ऐसे लोग जिनको कुछ भी जांच नहीं कराया और अचानक, जैसे मैंने कल का जो ब्लड टेस्ट वाला बच्चे का ब्लड निकाल के जो जांच किया उसमें भी वैसी था। मैं इस कपल से ये बोलना चाहता हूं और ऐसे बहुत सारे कपल को बोलना चाहता हूं कि जिनके पास में एक डाउन सिंड्रोम का बेटा बेटी जो भी, एक बच्चा बच्ची जो भी है, उनको बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है कि उनका अगला बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा कि नहीं। पर एक बात जरूर है कि उनको और हर कपल को, चाहे उनको घर में पहले डाउन सिंड्रोम हुआ है कि नहीं, हर गर्भस्थ महिला को, हर गर्भ धारण करने वाली महिला को अपने बच्चे का कोशिश ये करना चाहिए कि पहले 3 महीने में डाउन सिंड्रोम की जांच जरूर करा लें। इसमें एक बात ये पूछी गई कि क्या सोनोग्राफी की मदद से हम डाउन सिंड्रोम को पहचान सकते हैं? मैं ये कहता हूँ काफ़ी हद तक पहचान सकते हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर जहाँ पर अच्छी स्कैनिंग होती है, जहाँ पर न्यूकल फोल्ड थिकनेस का एंटी स्कैनिंग बोलते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स हमको दिखते हैं कि जिसमें अल्ट्रासाउंड में हमको अंदाज हो सकता है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ अंदाज हो सकता है, पक्का नहीं है, पर 70-80% बार वो सही निकलता है। उसको कंफर्म करने के लिए हम कोरियन बायोप्सी कराएं या फिर हम अल्ट्रासाउंड से एक एमनियोसेंटेसिस, सोनोग्राफी की मदद से एमनियोसेंटेसिस कराएं। ये जो क्वेश्चन है कि हमको अगली बार डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा होगा कि नहीं, तो मैं डाउन सिंड्रोम क्या होता पहले वो बता देता हूं, और डाउन सिंड्रोम कितने तरह के होते हैं वो बता दूं, किसमें ज्यादा चांस दोबारा होने का खतरा रहता है वो बता देता हूं, ताकि थोड़ा बहुत उनको जानकारी हो सके। नॉर्मली जो हम लोग जो पैदा होते हैं, जो ह्यूमन है, उसको मदर की तरफ से 23 क्रोमोसोम और फादर की तरफ से 23 क्रोमोसोम, ये मिलके हमारा 46 नंबर बनता है। अब ये क्या चीज होती है, मैं कभी यदि जेनेटिक टेस्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं क्रोमोसोम क्या होता है वो डिटेल में बताऊंगा, पर ये मान के चलिए कि जीन के 46 पैकेट होते हैं, ऐसे पैकेट 23 मदर की तरफ से और 23 फादर की तरफ से हमको मिलते हैं। ऐसे 46 पैकेट में हमारा जो पूरा जीन का पूल है वो 46 पैकेट में, 46 सैक में, 46 बोरे में बंद रहता है। इसी से हमारी गाड़ी चलती है जीवन की। यदि ये 46 में से बोरों की संख्या, पैकेट की संख्या 45 हो जाए, तो 99.9% ये बच्चा जीवित नहीं रहता। वेरी रेयरली टर्नर सिंड्रोम पैदा होते हैं। अब ये क्या चीज होता है, पर इसमें 45 पैकेट्स होते हैं। कभी ये पैकेट यदि 45, 46 की जगह 47 हो जाए, ये कैसे होते हैं मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर यहां पर कुछ ना कुछ फॉल्ट से ये चीज हो सकती है। यदि मान लीजिए ये 47 पैकेट लेके आ गए,
अधिकतर ये बच्चे भी खत्म हो जाते हैं प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही, पर कुछ बच्चे 47 पैकेट लेके पैदा भी होते हैं। एक भी पैकेट यदि एक्स्ट्रा होता है तो उसमें मानसिक विकलांगता होगी। इस मानसिक विकलांगता को आप ठीक नहीं कर सकते, मतलब ये मेंटली रिटार्डेड रहेगा, साथ में हार्ट की भी बीमारी हो सकती है, थायराइड की हो सकती है, सब कुछ मिला के एक आपको जो बच्चा स्कूल में नहीं जा पाए, जो दूसरे बच्चों के साथ खेल ना पाए, उस तरीके से बढ़ ना पाए, वैसा एक बच्चा पैदा हो जाता है। क्या ये 47 वाला जो सिस्टम है, इस 47 में हर बच्चा जीवित पैदा होता है? नहीं, पर कुछ बच्चे 47 लेके पैदा होते हैं। ये जो पैकेट है इनको नाम दिया गया है 1, 2, 3 करके, ऐसे 23 पैकेट के जोड़े। तो इसमें कई बार 21 नंबर का जो पैकेट होता है वो यदि 47 में, मतलब प्लस 21 करके कर एक जो पैकेट है वो यदि एक्स्ट्रा हो गया तो उसको हम ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दिखने में तो ये 46 दिखे बच्चे में, नॉर्मली अधिकतर डाउन सिंड्रोम 47 पैकेट वाले, हम जब क्रोमोसोमल एनालिसिस करते, कैरियोटाइप करते, तो हमको ये पैकेट गिनने में आसानी होती है, तो ये 47 वाला पैकेट हो गया। कुछ ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिसमें गिनने में तो वो 46 हैं पर उनके 2 21 आपस में जुड़े होते हैं, तो ये 1, ये 2 और फादर की तरफ से 1 3, मतलब आप देखोगे तो ये टोटल यदि क्रोमोसोम देखोगे तो ये है एक्चुअली 47। ये वाले केसेस ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल यदि बोलें तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जो ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम होता है ये मदर की एज पे डिपेंड करता है, जितनी एज ज़्यादा होगी उतना डाउन सिंड्रोम ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है कि 35 साल की उम्र में ही डाउन सिंड्रोम होगा, 30 को नहीं हो सकता। हर एक महिला को पहली प्रेगनेंसी में भी ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए प्रत्येक महिला को इतना विजिलेंट, इतना जागरूक होना चाहिए कि उसके बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं वो टेस्ट कराए। ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम का बच्चा अधिकतर रिपीट नहीं होता, इसलिए यदि ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा जो इनके पास है उसका कैरियोटाइप करके देख लेना चाहिए कि वो 47 क्रोमोसोम वाला है कि 46 वाला है। यदि 46 वाला है इसमें चांस रिपीट होने के ज़्यादा रहते हैं। रिपीट होना ज़्यादा रहता है, इसका मतलब यदि डाउन सिंड्रोम का हमको आगे फैमिली को प्लान करने बोलना है तो हमको उनका जो जीवित बच्चा है उसका पहले कैरियोटाइप करके देख लें कि उसके पास कितने पैकेट हैं। यदि वो 47 पैकेट वाला बच्चा है तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर से रिपीट होने का चांस कम रहता है। पर अगली बार जब भी प्रेगनेंसी हो, चाहे वो पहली प्रेगनेंसी हो, चाहे पहले डाउन सिंड्रोम हो और फिर प्रेगनेंसी हो, हर प्रेगनेंसी को टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने के तरीके बहुत आजकल इम्प्रूव हो गए हैं, मैं कभी और डिटेल में इसको बताऊंगा, पर जो सिंपल टेस्ट होता है वो तीसरे महीने में एक, ये मैंने एक वीडियो पहले भी डाला है, डबल मार्कर होता है और सोनोग्राफी होती है, इसको एंटी स्कैनिंग बोलते हैं। ये दोनों मिलके फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग बोलते हैं, FTS बोलते हैं। यदि ये ठीक से किया जाए तो 100 में से 87% पकड़ में आ जाते हैं। यदि ये पकड़ में आता है तो ज़रूरी नहीं कि ये जो निकला ये वास्तव में डाउन सिंड्रोम लेके ही पैदा होगा, पर इसमें चांसेस ज़्यादा हैं। तो कंफर्म कैसे करें,
इसको कंफर्म करने के लिए इनवेजिव मतलब ऑपरेशन वाला टेस्ट क्या करते हैं, कोरियन विलस सैम्पलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस। इसके बीच में एक टेस्ट और आया है जो कि आजकल बहुत चलता है, उसको NIPT बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव, मतलब हमको इन्वेजन मतलब बच्चे को छूने की जरूरत ही नहीं है, मदर के ब्लड से हो जाता है। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो 99.9% करेक्ट होती है। तो NIPT या NIPS जो भी है, या सेल फ्री फीटल डीएनए, ये टेस्ट ब्लड टेस्ट से हो जाता है। इसमें 35,000 से 40,000 रुपये लगते हैं, 7 दिन में रिपोर्ट बन जाती है। आपको बच्चे को इन्वेजिव मतलब नीडल से चुभाने के पहले मदर के ब्लड से ये टेस्ट किया जा सकता है। तो मैं इस पेशेंट को, इस कपल को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चा जो जीवित है उसका टेस्ट पहले करा लो कि ट्राइसोमी वाला है कि ट्रांसलोकेशन वाला है। यदि ट्राइसोमी वाला है तो डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है, यदि ट्रांसलोकेशन वाला है तो कहाँ से ट्रांसलोकेशन आया वो बहुत इजीली बताया जा सकता है हस्बैंड वाइफ के कैरियोटाइप से। यदि वो प्रेग्नेंट होती है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट जरूर कराएं, एक डबल मार्कर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग कराएं, फिर चौथे से पाँचवें महीने में एक टेस्ट होता है उसको क्वाड मार्कर बोलते हैं। ये कई बार हम सीक्वेंस में करते हैं, पर मैं कोशिश करता हूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सब कुछ पता चल जाए, ताकि यदि ये बच्चा रखना कि नहीं रखना वो डिसाइड करने में आसानी हो। यदि इसमें डाउन सिंड्रोम, कोई ज़रूरी नहीं कि हर डाउन सिंड्रोम को हर कपल अबॉर्ट कराए, लोग डाउन सिंड्रोम का बच्चा पसंद भी करते हैं, पर चूँकि हमारी कंट्री में डाउन सिंड्रोम के बच्चे को पालना और उसका पुनर्वसन करना, उसको स्कूल में यदि दाखिला नहीं मिलता तो उसको कहाँ ले जाएं, ये जो प्रॉब्लम होती है इससे हम इतनी प्रॉब्लम में आते हैं कि कोशिश ये रहती है कि वो उस तरीके के बच्चे पैदा ही ना हो, हम उनको रोक सकें आने से। रोकना भी यदि है तो जितना जल्दी हो सके पहचान लें, ताकि जो मदर है, जो कपल है, उसको बहुत मानसिक तकलीफ ना हो। मेरे ख्याल से ये जो आपका क्वेश्चन था इस पेशेंट का, उसको काफ़ी हद तक थोड़ी रिलैक्सेशन मिली होगी कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ही डाउन सिंड्रोम लेके पैदा हो, पर हर बच्चा डाउन सिंड्रोम लेके पैदा हो सकता है, ये हमेशा सोच के चलना चाहिए। यदि इतनी जागरूकता भी रहे तो बहुत सिंपल टेस्ट से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। ये एक डाउन सिंड्रोम लेके एक पार्ट है फीटल मेडिसिन का। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो मैं आने वाले समय में, यदि समय मिलेगा और पेशेंट मिलेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, ऐसे बच्चे को जो कि समाज में बहुत तकलीफ से जीते हैं, उनको आप ठीक भी नहीं कर सकते हो, उनसे हम उन परिस्थितियों से बच सकते हैं। आशा है आपको मेरी ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये बहुत कठिन है इसका विज्ञान, पर मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में समझाने की, ताकि लोगों को एक बेसिक जागरूकता आ सके। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि दूसरों को ये जागरूकता हो सके कि एक अच्छा बच्चा पैदा हो फैमिली में, क्योंकि बच्चे आजकल एक कॉमन फैमिली में बहुत बच्चे नहीं होते, पर जो होते हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे हों तो हमारा राष्ट्र, हमारा नेशन अच्छा बन सकता। मेरा एक ही नारा रहता है, हेल्दी फीटस कीप्स अ हेल्दी नेशन। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।